भी कर रहे हैं। करवा दो आपने 2000 रुपये, आपके द्वारा जो बताया गया है 2000 रुपये, 2000 है मैडम। आज शाम तक करवा दूँ तो दो है, पूरे 2000 है ना। रुक जा, पहले रुक जा, दीपक से बात करो। मैं जा रहा हूँ, मुझे मैम तो निकलना, मुझे गाँव निकलना है, फ़ोन बात कर लूँगा मैं आपसे। चुपचाप मैं करवा रही ना, इसके सामने मैंने कहा चुप रहे हो, तब भी तुम बोल रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ ना। ठीक, करवा दो। दीपक बोला कर लो बाद में, मैं आज ही कर रहा हूँ शाम तक। ठीक है, ठीक है। आपके द्वारा जो बताया गया है जो संबंधित कर्मचारी है उसके जांच करके आपको नहीं मैडम, संबंधित व्यक्ति भ्रष्ट है और उसे बाबू बनाकर वहाँ बिठाया रखा है, आप प्रभारी हैं तो कहीं ना कहीं नहीं बाबू नहीं है, व्रत के तट पर ही है, आवाज आवाज चाहता है उसको दिया गया था, बाबू नहीं। अभी आपने बताया है, इसकी हम जांच करेंगे और जो भी संबंधित इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी करेंगे। और जैसा आपने बताया कि पहले भी इस तरह से होता रहा है लगातार, इसकी भी हम विस्तृत जाँच कराएंगे। श्योपुर का जिक्र करेंगे, न्यूज 18 की एक खबर का बड़ा असर हुआ है। रिश्वत लेने वाली महिला कर्मचारी सस्पेंड हो गई है, वीरपुर तहसील कार्यालय में अटैच हुई है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ का यह एक्शन देखने को मिला है। न्यूज 18 की खबर पर कलेक्टर ने यह एक्शन लिया। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, प्रमुखता से खबर दिखाई, स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है और तत्काल रूप से कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। जी बिल्कुल ऋतु, एक बड़ा एक्शन है कलेक्टर के द्वारा जो लिया गया है, क्योंकि इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। एक रिश्वतखोरी का मामला था, ईडब्ल्यूएस के जो प्रमाण पत्र हैं सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनसे बनाने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत आरोपी महिला कर्मचारी के द्वारा ली गई थी। इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन न्यूज 18 के द्वारा किया गया। तो इस मामले में अब कलेक्टर ने खबर देखने के बाद मामले में संज्ञान लेकर आरोपी जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड कर दिया है और जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर वीरपुर तहसील मुख्यालय पर उन्हें अटैच कर दिया है ताकि जांच किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले जांच में इनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हो, इनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि और भी कर्मचारी इस कार्यालय में अटैच थे। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यदुवंशियों के सम्मान की बात करते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी में यादव मुख्यमंत्री दिए जाने पर कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है, हमने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था, अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे यदुवंशी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव, यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। एमपीपीएससी 2023 परीक्षा पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों को गलत भी पाया है। हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश दिए हैं, बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य वन सेवा प्री परीक्षा की मेरिट लिस्ट है ये, 30 जून को होनी है राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा। खरगोन जिले के कसरावद में नारकोटिक्स विभाग ने 2 ड्रग तस्करों
सलीम और शाहरुख को गिरफ्तार किया है, जबकि जम्मू कश्मीर का निवासी तीसरा आरोपी मिर्जा फरार है। बताया जा रहा है कि ड्रग तस्कर मिर्जा का पाक अधिकृत कश्मीर से संपर्क है। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले अधिकारियों और ड्रग तस्करों के बीच झड़प हुई। तस्करों ने नारकोटिक्स थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे की आंख में मिर्च स्प्रे डालकर भागने का प्रयास भी किया। उनके हाथ पर दो जगह दांत से काट भी लिया। बताया जा रहा है कि कश्मीर निवासी मिर्जा ने पहले एमडी ड्रग्स की फोटो शाहरुख को भेजी थी, उसके बाद मिर्जा ने कसरावद में ड्रग्स सप्लाई की थी। कल हमारी नारकोटिक्स विंग की टीम ने खरगोन जिले के कसरावद एरिया से लगभग 135 ग्राम एमडी जब्त की है, और जिसकी कीमत जो आप बता रहे हैं लगभग 30 लाख के आसपास है। और जब टीम हमारी उन आरोपियों को पकड़ रही थी तो टीम पर उन आरोपियों द्वारा हमला भी किया गया, और जो जैसा कि टीम ने बताया कि मिर्ची भी उनने हमारी टीम पर फेंकी, एक दो को चांटे भी उनने मारे, हाथ में लोचा भी है, इस तरह से उन पर हमला भी किया गया। लेकिन टीम ने बहुत बहादुरी से उन लोगों को पकड़ा और नारकोटिक्स विंग द्वारा कार्रवाई की। और अब बात खरगोन की, जहां कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ हुए